हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे 5 टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो महीने के 40 से 50 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो चलिए, हम आपको 5 टिप्स बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को स्किप करते हैं या बीच में से छोड़ के जाते हैं तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए हमारे पहला टिप्स पर। तो हमारा पहला टिप्स है कि कोचिंग क्लासेस। अगर दोस्तों आप 10th 12th पास आउट है और आप महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो आप 10th वाले बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास 10th का एक्सपीरियंस है और अपना एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर करना एक बहुत ही आनंददायक बात है। तो आप बच्चे को पढ़ाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि वो भी एक अच्छा स्टूडेंट बन सके और आपकी तरह सफल आदमी बन सके और महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमाइए। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है कि होम डिलीवरी या पिज़्ज़ा डिलीवरी करना। अगर दोस्तों आप शहर से बिलोंग करते हैं या शहर में रहते हैं और एक स्टूडेंट है और आप महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो आप एक होम डिलीवरी या पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक बाइक का लाइसेंस होना चाहिए जिससे कि आपको एक आसानी से जॉब मिल सकता है और महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। अब चलिए हमारे तीसरे टिप्स पर। तो हमारा तीसरा टिप्स कंप्यूटर कोर्सेज हैं। अगर दोस्तों आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाइए और वहाँ से कंप्यूटर कोर्स का नाम और ड्यूरेशन दोनों चीज़ डाउनलोड कीजिए। हालांकि एक ही PDF में दोनों चीज़ है तो उस चीज़ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और नाम ड्यूरेशन दोनों देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स पसंद आए तो कोर्स कर सकते हैं। साथ ही अगर कंप्यूटर का कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो एक दूसरा लिंक है, उस पर टैप कीजिए और उसको डाउनलोड करके आप कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं और अपने पसंदीदा कोर्सेस करके महीने के 25 से 30 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हैं। अब चलिए हमारे चौथे टिप्स पर। तो हमारा चौथा टिप्स है साइबर कैफ़े का काम करना। दोस्तों, अगर आपके पास एक साइबर कैफ़े का नॉलेज है और आप उसके बारे में थोड़ा कुछ भी जानते हैं या मोबाइल चलाना भी जानते हैं तो उससे भी आप साइबर कैफ़े का काम आसानी से सीख सकते हैं और महीने के 30 से 35 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। हाँ, आपको ज़रूर आश्चर्य लगता होगा, तो ये 30 से 35 हज़ार रुपया कैसे कमा सकते हैं? तो एक एल्गोरिथम आपको हम समझाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत में दिन ब दिन कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं और उस वैकेंसी में कई सारे फॉर्म निकलते रहते हैं। अगर आप साइबर कैफे का काम सीख जाते हैं तो आप अगर एक दिन में 10 फॉर्म भी भर पाते हैं तो लगभग महीना में 30 दिन होता है और इस तरह आप 30 दिन में 300 फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप एक फॉर्म का 100 रुपया चार्ज रखते हैं, जैसा कि हर एक साइबर कैफे वाला करता है, हम भी कोई भी फॉर्म भराते हैं तो हमसे भी कुछ 100 रुपया चार्ज ले लेता है। इस तरह आप भी 100 रुपया रख सकते हैं फॉर्म का और 100 × 300 इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे तो महीना का 30 हज़ार रुपया हो जाता है। इसके अलावा आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम रिचार्ज सब करेंगे, DTH रिचार्ज सब करेंगे और भी कई ऑनलाइन सब है वो सब करेंगे तो आप इस तरह 35 से 40 हज़ार रुपया आसानी से इसमें कमा सकते हैं। अब चलिए हमारे पाँचवें टिप्स पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है और बेसब्री से आप सभी को इंतज़ार होगा। तो हमारा पाँचवा टिप्स है एक यूट्यूबर बनना। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चैनल क्रिएट करना होगा और उस पर वीडियो अपलोड करना होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ का नॉलेज है या टैलेंट है तो उसका वीडियो बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप कुछ दिन में अच्छे खासे सब्सक्राइबर पा सकते हैं और एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा एक फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाटी है जो महीने के 1 लाख+ रुपया इनकम कमाता है और वो भी यूट्यूब से कमाता है और एक यूट्यूबर है और उससे ज़्यादा कमाता है। तो दोस्तों, जब एक यूट्यूबर 1 लाख+ इनकम कमा सकता है तो आप क्यों नहीं यूट्यूब से 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अगला वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे में कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।